Assalamu alaikum everyone, this is me Lovely Khan, you can call me Ruxy also, so welcome back to my channel. आज है रोज़ा 13th वाला और बीच के फिर से मैं रोज़े खा ली, जैसा खाना भी नहीं खा रही हूँ वैसे रोज़े खा ले रही हूँ मैं इंशाल्लाह। ऐसे करते करते रोज़े बीच बीच के रोज़े खाते खाते ईद आ जाती, दिवाली मेरे को ऐसे दिख रहा। तो आज छोटी सी इफ्तार पार्टी है हमारे घर में, छोटी सी। तो इफ्तार पार्टी इज नॉट मीन भाई घर में इफ्तार पार्टी है, हम लोग इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो मैं सोची कि आज का भी ब्लॉग बनता है और कल भी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो दो दिन का व्लॉग हो जाता है। ये अच्छा है ना, दो दिन का व्लॉग बनाना। और मम्मी आ रहे थे गोटी पहन लेकर। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रमजान तीसरा 13th वाला रोजा मुबारक। इफ्तार पार्टी नहीं बोलते, इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट बोलते, इफ्तार बांटना बोलते। रोजे कैसे चल रहे गाइस, कमेंट में लिखो जल्दी। बस इतना ही, ये इतनी बात करने के बाद मालूम है तो कैसा करते मालूम है, पहले मेरे यहाँ बाजू से जाते, ओंडी यहाँ से लेते, उसको इधर से उधर मसलते, एक बार आईने में जाके चेक कर लेते हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ नहीं दिख रही, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम गाइस बोल लेते हुए आते। फिर मैं ऐसे नींद में ऐसा अरे आज आंटी एक्टिव नहीं है आज बोलते बोलते फिर कमेंट में। ओके मतलब पूरा रमजान तुम एक्टिव दिखाना चाह रहे हो सबको। हाँ तो फिर लेट हो रहा क्योंकि हम लोग को जा रहा था इफ्तारी लेने सुबह 8 बजे, बट नींद नहीं होने की वजह से हम लोग जा रहे हैं जोहर से पहले। तो मेरे को जाके फिर आके भी जोहर की नमाज भी पढ़ना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, इफ्तारी कहाँ से लेते, मार्केट से लेना है इफ्तारी, तो इफ्तारी कहाँ से लेते आपको भी बताती हूँ, आपको भी ईजी हो जाता। चलो चलते हैं मम्मी, चलो चलते बोलते चलते हैं ऐसा करेंगे, लेट्स गो। इस बाहर इतनी ज्यादा धूप है मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह एसी रहने की वजह से हम लोग उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा, मगर कि स्टिल बहुत ज्यादा धूप है। रोजा लग रहा है मेरे को असल, तो 12:30 को कुछ निकले थे, निकले तक 1:15 हो गया, अज़ान की आवाज आ रही, तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हुए जा रहे थे कि इफ्तारी कैसा कहाँ से। तो काशिप बोल रहे थे, काशिप किधर से लेना है इफ्तारी अपन को, वो मार्केट का नेम उसको भी नहीं मालूम करते, वहाँ पे बहुत अच्छी इफ्तारी भी मिलती करते और फ्रेश भी मिलती करते और अफोर्डेबल भी मिलती करते, क्योंकि अब भी फिलवकत कॉमन आजुक बाजुक से लिए ना आप इफ्तारी तो आपको बहुत महंगी पड़ रही है। अगर इफकेस रियलिटी वहाँ पे बहुत इफ्तारी कम में मिल रही और अफोर्डेबल मिल रही और अच्छी खासी मिल रही तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ और आपको रिकमेंड भी करती हूँ। भैया ये कुटापेट की फ्रूट्स की फ्रूट मार्केट कैसा गोल 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 तिरगी फिर रहे, मगर कि हम लोग को फ्रूट मार्केट रिच नहीं मालूम है किधर है कि क्या नहीं की वो बिचारी फ्रूट मार्केट। अब कहाँ से के ले लेने का फ्रूट मार्केट तो बंद हो गई बोल रहे हैं लगा, अल्लाह धूप देखे गाइस, पैसे इंपॉर्टेंट है। और एक थैली ले लेती हूँ, क्या हुआ कहते हम लगा यहीं से ले लेते फ्रूट मैनेज करके, अब क्या करते मार्केट तो बंद हो गई कहते ये जो फ्रूट मार्केट है ना इसके लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ता करते गाइस, मैं तो मिस हो जाता करते और हम लोग से मिस हो गया क्योंकि हम लगा दोपहर के टाइम पे आए और आप लोगों को भी मैं नहीं बता सकी, बट नो वरीज गाइस, यहाँ पे कोतापेट पे आपको इफ्तारी कम में मिल रही, जो नॉर्मली आपके आजुक बाजुक रहती ना इफ्तारी उससे भी ज्यादा कम में मिल रही। लिटरली हमारी थैली फुल हो गई, तो अगर इफ केस अगर आपसे मिस हो गया सिर्फ हमारे जैसा तो आप कोतापेट पे इफ्तारी ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मोस्ट ऑफ द इफ्तारी आ गई हमारे पास, तो वॉइस ले रहे हैं हम लगा चुका चुका के क्योंकि हमारे साथ तो मार्केट मिस हो गई। तो हम लोग को तरबूज भी लेने का है, अंगूर भी लेने का है। कशीर अभी कितने तुम्हारे पास? वो तो हमने इमरजेंसी बोल के रखे थे। मार्केट में नहीं है, बोल के 500 रखे थे काशिफ। और काशिफ सिर्फ 100, सही है 100 रुपए बचे खाली। हम लगा आ गए ये मौजम साहब मार्केट जो फेमस है ना, उधर साइड आ गए तरबूज लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे भी है जैसा हमको होना एग्जैक्टली वैसे है। हम लगा यहाँ से खजूर भी ले रहे। A few minutes later. So guys, हम लगा आ गए थे इफ्तारी ले लेके। ये है हमारा पाइनएप्पल। तो यप, मैं कुछ भी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाह रही भाई, बिकॉज ये बांटने की चीज है तो मैं उतना शेयर नहीं करना चाह रही हूँ। कैसा दिख रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, यस इफ्तारी का काम हो गया है। देख लो आप, इफ्तारी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन रखे थे वो हम लोग यहाँ जमा दिए। और मैं फिर से आज मोहब्बत शरबत बना रही थी। हमारा इस रमजान में मोहब्बत शरबत से अलग ही लगाव हो गया मालूम है, हर बार बनाते जा रहे हैं मम्मी। बहुत अच्छा दिख रहा है और पेट को ठंडा भी रहता ना इसीलिए। तो हमारे तब्बू भाई आए थे आज घर को। हेलो बोलो। आज हमारी इफ्तारी पूरी तब्बू भाई बांट रहे मालूम है। नहीं देखो, कितने बार सलाम करते हैं सही बात है। चलो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जस्ट अभी मेरी तरावी और इशा की नमाज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार पार्टी बहुत अच्छे से, छोटी मोटी इफ्तार पार्टी बहुत अच्छे से हो गई हमारे घर में। मतलब ये लाइक इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन वाली पार्टी। तो तब्बू भाई भी आए थे, बहुत अच्छा दिखा इफ्तार पार्टी में। तब्बू भाई के साथ ऑलरेडी कॉमेडी चलते रहती और मम्मी लाइक ओंडी वोंडी पहन लेके आ रहे होंगे कैमरे के पास डेफिनेटली। अरे देखो माशाल्लाह से अच्छी इफ्तार पार्टी हो गई हमारे यहाँ की। बस दुआ करो इंशाल्लाह फिर साल जिंदगी बाकी रहे तो जिंदगी बाकी रहती। ये माया से बात कई को करते बाप, आपके भी मम्मी ऐसी बात करते, जरा कमेंट में बोलो। मैं बस हो जाती हूँ मालूम है, जिंदगी बाकी रहे तो इंशाल्लाह फिर साल अच्छे से अच्छा करेंगे। नहीं, जिंदगी बाकी रहे तो हम और अच्छे से अच्छा करेंगे। और ऐसा नहीं बोलना भाई, मेरे को मालूम है बातों में चिढ़ाती है अम्मी, आप लोग भी चिढ़ाती तो जरूर कमेंट कर। तुम ना बोलते चले जाते, यहाँ पे लगती है, दिल पे लगती है बात ऐसे। ठीक है चलो, आज हम लगा जा रहे कहीं बाहर, जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपो। ओकी, एक्सपो बोलते हैं उसे। एक्चुअली गाइस, मुझे सारी चीजों की नॉलेज नहीं, ये जो हिंदी है ना इसको नॉलेज रहती और फोर्स करते रहती कि दीदी यहाँ जाएंगे, दीदी वहां जाएंगे। तो मैं भी सोचती कि ठीक है चलो जाएंगे ना। तो हम लगा जा रहे थे दावत ओके। तो हम लगा जा रहे थे जश्न बाजार एक्सपो, जो किंग्स क्रॉन्स में लगा हुआ है, जो गुडी क्लासिक गार्डन किंग क्रॉन है ना, वो चेंज हो गया सर, आंगन का है। तो फिर किंग क्लासिक गार्डन किधर है? ये वाइन से बाजू का नीचे वाला। सो व्हाटएवर गाइड, सो वहीं पे बाजू को कहते हैं किंग क्लासिक गार्डन। अगर आप लोग नहीं गए तो इट्स ओके गाइस, इसका व्लॉग ये तो व्लॉग में डाल देती हूँ, आप लोग देख लेना। बट ये कब तक रहने वाला है? कल आज था, आज तो आई एम सॉरी गाइस, देख के खुश हो जाओ क्योंकि वो रहने वाला नहीं है। ये ना ये लगा क्या कर रहे मालूम है, जितने भी इन्फ्लुएंसर और जितने भी एक्सपोज रखने वाले दो दो दिन का रख रहे, एक एक दिन का रख रहे। फिर भी दावत रमजान ऑलमोस्ट 15 दिन रहता नहीं। सो यस गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी फॉर गोइंग टू द एक्सपो। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा, देखो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना कुछ भी नहीं लगाई, पाउडर वाउडर कुछ भी नहीं, क्योंकि बोले तो ये गर्मियों में नहीं समझ में आता कुछ भी लगाना है। मेरा बुरखा जो मैंने शिफा कलेक्शन से लिया क्या एज ए गिफ्ट मुझे मिला था उनके पास से। तो गिफ्ट की चीज़ा बहुत अच्छे भी दिखते कभी कभार मुझे, तो छोटे छोटे एफर्ट्स डालते ना गिफ्ट्स में, तो मुझे वो बहुत ज्यादा खुशी होती। तो मेरे को
मेरे को बाया बहुत ज्यादा पसंद है, बट मैं रेयर पहनती हूँ, और जब पहनती हूँ मुझे अच्छा दिखना, अच्छा दिखता कि पहनना, तो हिजाब पूछो शनको गाइस, मेरे को इतना क्यूट दिखा हुआ, स्पेशली इसके जो ये क्यूट क्यूट, आई डोंट नो व्हाट टू से, पर ये क्यूट क्यूट लटकन्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे दिखे। और गाइस आप लोगों को कमेंट करो, उनको बोले मैं हिजाब बोलते ना, अबाया, सॉरी इसको अबाया बोलते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ वालों में ये सब बातों में, पहले बहुत अच्छा था इसको, इसको बुरका वो अच्छा था। हाँ ठीक है चलो जाते हैं। हिजाब में मैं कैसी दिख रही हूँ आपको कमेंट करो, बोलो बोलिए आप लोगों को, नहीं करे आप लोग तो इस बार कमेंट करके बोलना कि मम्मी हिजाब में कैसे दिख रहे हो, और अगर आपको ऐसे क्यूट क्यूट हिजाब्स अगर ऑर्डर करना है यानी तो लेना है तो मैं यहाँ पे उनके ऐसा भी प्लेन भी लेना है, तो भी ऐसा भी प्लेन भी लेना, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कितना प्यारा दिख रहा चांद, मगर की इससे प्यारा चांद यहाँ पे चांद है। मेरे पास ये चांद है, ये चांद है, वो चांद है, तीन चांद है, और हमारे पास सिवे की चांद है। बात तो सही है बट सीरियसली कितना प्यारा दिख रहा गाइस आज चांद। दियो भाई साहब ये दीजिए आपकी चाय। वाओ सब पॉप अप लाके दे दिया पहले से, ये आप पीते। हाँ मैं ये वाली चाय में कप में पीती हूँ, मेरे को यहाँ की चाय बहुत अच्छी दिखती गाइस, जो अम्बा टेटर के अपोजिट में रहते ना वो वाली। अगर आपको नीलफर का मस्का बन महंगा दिखता तो आप ये वाले बन को खा सकते। 2000 years later. मेरे को भी ऐसा है, मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा दिखता तो इसीलिए हम लोग आगे, सो लेट्स एक्सप्लोर द जश्न बाजार। इतना ज्यादा फुल है मार्केट में, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। डन विद द जश्न बाजार, हमें बस हो गया, रश बहुत ज्यादा है वालों में, अंदर फिल्म लगा, स्ट्रगल करके बाहर निकले स्ट्रगल। सो यस गाइस हम लोग जश्न बाजार से वापस आ गए हैं, और अबाउट जश्न बाजार रिव्यू बोल तो ऑब्वियसली दावत रमजान और ये जितने भी एक्सपोज है उन लोगों के जैसे सिमिलर था, बट शॉप्स थोड़े बहुत डिफरेंट रहते होता है। मोस्ट ऑफ द लोग मेरे को पहचाने, मम्मी बोल के बोले, हैदराबादी बोलते बोल के बोले, बहुत सारे जने सलाम करे, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, थैंक यू एवरी वन। बट इतना है कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करें मालूम है, पहचाने मगर खरीद नहीं आए, क्या है मालूम है, थोड़ा शायद उन लोगों का सोचते होंगे, तो आप लोग अगर कभी मेरे को देख लिए तो प्लीज ऐसा सोचो ना को, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, रिलैक्स होकर सो जाती, सुबह से नींद बहुत बुरी हराम है मालूम है, आप यकीन मानो ना को मानो, मैं पूरी रात नहीं सोई थी, और सुबह से इफ्तारी के चक्कर में ये चक्कर में चले गया दिन, तो अभी चेंज वेंज करके सीधा सोना है और सहरी में मिलना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जस्ट अभी मेरी तहज्जुब की नमाज हुई, ये ना रमजान में ना क्या रहता वालों में, जरा ऐसा करते किच फिर से बैक कैमरा ऑन करते किच, कुछ नमाज तो मैं पढ़ के रहती और कुछ ना कुछ तो पढ़ के रहती, और जैसे ही पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग आती कि फिर से आपको सलाम करूँ, तो आप लोग बार बार सलाम सुन के ऐसा मत सोचना, बस मैं नमाज पढ़ के रहती हूँ तो वीडियो ऑन होती कि सलाम करना दिल बोलता मेरे को, दैट्स इट। तो मैं खा रही हूँ बिरयानी, बिकॉज नो मोर एनी ऑप्शंस, और ये बिरयानी कहाँ से बोले तो खान्स बाबा किचन्स, अगर आप लोग ना लिटरली उनका पेज नहीं चेकआउट करे तो प्लीज गाइस चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने होम डिलीवरी करते एंड दैट टू बी आल्सो आखिरी कोमा रहता खाना उनका, टेस्ट खाने का टेस्ट, दो कोलैबोरेशन आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो दो के दो कोलैबोरेशन करना है, और मम्मी का हाथ नहीं हो रहा करते, क्या कर रही थी ना पीछे बैठ के चल जुटी, तो आई डोंट नो कि मम्मी का हाथ नहीं हो रहा कहते, बट स्टिल उन्होंने दो दो कोलैबोरेशन की जगह पे चलते कहते, और हमारे पास सैरन बज रहा, देखो भी तू आ पड़े, चलो पढ़ो तू अनासामी गतम अल्लाह ताला। लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब ये है कि हमारी हालत टाइट हो गई, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह
फजर की नमाज पढ़ के जोहर के टाइम पे, क्योंकि जोहर के टाइम पे हम लोग को बाहर भी जाना है। तो जब देखिए, अल्लाह हाफिज। टुमारो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डे 2 या 3। गाइस मैं ये बोलना चाह रही हूँ थी कि हम लोग जा रहे थे कोलैबोरेशन। कौन सा वाला कोलैबोरेशन है बोलते? परफ्यूम का कोलैबोरेशन है, इतर परफ्यूम। अगर आप लगा सोल सिटी में रहते और आप लगा परफ्यूम लवर्स है तो आप लोग इधर भी चले जाते, मेरे को मालूम है। तो हम लोग जा रहे थे संतोष नगर, क्योंकि वहीं पे है उनकी शॉप जो सोयल होटल है, देखिए उधर है। तो यस गाइस, चलो चलते हैं कोलैबोरेशन की जगह पे। अम्मी कार चला रहे मालूम है हमारे। अल्लाह, आज गाइस मालूम है सबके सूरतों पे इतने रंग भरे हुए दिख रहे हैं। आज के दिन ही चमड़ा भी ऐसे रंग भर के आए थे। लास्ट टाइम हम लोग होली खेलने गए थे, आप देख सकते हो, देखो 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 ऐसा सबके आ रहे हैं। कुछ सूरत था तो पहचाने भी नहीं जा रहे वालों में। सेम ऐसे थोड़े तो भी अपने पहचाने गए, ब्लू ग्रीन पिंक और हम लोग ऐसे चीजों को प्रमोट भी नहीं करना चाह रहे। और रही बात तो मैं तो सीरियसली मालूम है, हर दुआ में, हर इबादत में, हर इफ्तार के टाइम पे सिर्फ फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करिए। मैं लिटरली फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए। तो लाइक ना वो जब से देखे मम्मी इज लाइक, मैं बताते जाती हूँ, मम्मी ऐसा हो रहा, मम्मी वैसा हो रहा, मतलब मम्मी का तो दिल इतना रो रहा मेरा, इतना रो रहा मेरा। गाइस सब हम सब लोग फलस्तीन लोगों के लिए दुआ करेंगे और गाजा के वास्ते। फलस्तीन गाजा इनके पास है, मगर की स्टिल मैं भी हर दुआ में मांग रही हूँ अल्लाह हम सबकी दुआ कबूल करे और उन पे आसानी फरमाए और उनको हिम्मत दे और इन सारे चीजों पे गुजरने के लिए उनको हिम्मत दे। बस अल्लाह उनके ऊपर आसानी फरमाए और ये सारी चीजों से जल्द निकाल दे। हम ना एक साल से नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 सालों से उनके लिए दुआ कर रहे। इस रमजान ने तो इस साल तो भी उनके ऊपर अल्लाह ताला रहमत बरसा दे और उन पे आसानी बरसाते। अमीन सुमा अमीन। तो यस गाइस, अब हम लोग चलते हैं संतोष नगर, सॉरी मलक पे, वही है हमारा कोलैबोरेशन, तो आपको भी बताती हूँ चलो। सो गाइस, हम लोग आ गए थे अल खबीर, खदीर है ना, अल खबीर, अल खबीर जो कहाँ पर है, सोयल होटल के अपोजिट। और यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा ना, 5-piece combo ऑफर अमाउंट ट्रिपल नाइन। तो ये एग्जैक्टली किधर है बोलते? होटल सोयल के पास ही एग्जैक्ट ये मैं देखो कितने क्यूट क्यूट दिख रहा है, प्यारे प्यारे दिख रहा सब। तो यस ये है कॉम्बोस में मिलने वाले आपको। ये कितने एमएल्स का रहेगा? 35 ml का रहेगा और इसका फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इनके पास, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मारो मारो। अरे तुम्हारा जो फील हुआ वो बोलना। तुम फील कर रहे भाई, कैसा दिख रहा? Two thousand years later. मम्मी तब्बू भाई हाय कर दो, सलाम कर दो। हेलो। और अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम लोग कहाँ गए? कोलैबोरेशन पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आपका OTT बता दूं मैसेज? पलटो पलटो। ओ माशाल्लाह। किधर आई थी अपन? अपन आए पटेल मार्केट जो श्री राम टेक्सटाइल। यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस है पूरे होलसेल के ड्रेसेस है, कॉम्बो में मिलते हैं आप लोगों को। एक से एक ड्रेस है मालूम है, कलर चेंज रहता है, डिजाइन एक रहता, अलग अलग पैटर्न है, पाकिस्तानी शिफॉन क्या क्या की मेरे को नामा भी नहीं मालूम, उतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस है। मैं तो देख रही हूँ तो कलेक्शन अच्छे है। रमजान की शॉपिंग भी हो जाती है, अगर जो चाहते है की हैवी ड्रेस लेना है उन लोग हैवी भी ले सकते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस लेना उन लोग नॉर्मल भी ड्रेसेस ले सकते हैं, जो चाहते हैं सिर्फ कॉटन के ड्रेसेस लेना है वो कॉटन के भी ड्रेसेस मिल जाते हैं। बोलते नहीं थे
मल्टी स्टोर बोल के, ये मल्टी स्टोर है जिसमें पूरा होलसेल में मिल जाता है आपको, ये रिटेल शॉप नहीं है होलसेल में, बट इतना है कि आपको चार चार चीज का कॉम्बो मिलता, ऐसा दिख रहा दुकान वाली दिख रही हूँ मैं। कलेक्शन बताती हूँ, केस कलेक्शन मिस हो गया, कलेक्शन में कलेक्शन बोल रही हूँ, कहते लोग मेरा मजाक उड़ा रहे उस चीज़ का, मेरे मुझे वो फ्लुएंटली निकल जाता है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी कलेक्शन रहता ना वो मैं आपको बताती हूँ, केस मेरे से मिस हो गया तो आप लोग इंस्टाग्राम के रील पे जरूर चेकआउट करना, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मैं पूरा बताने की कोशिश करती हूँ, जितना भी बताना है। देखिए दिल कैसा बोला तुम्हारा कि हाँ अच्छा दिख रहा कलेक्शन में, नहीं तब्बू भाई का डायलॉग क्या है, मगर कि अब घर को जाते थे होना होना बोले तो मैं पागल हो जाता हूँ, पहले दुखाना बहुत है। सबके जैसा दिला देंगे, फिर उन लगा तीनों लड़ लेगा, चारों फिर मिलके लड़ लेके मर जाते वहाँ भी कहीं तो। और बट लेना है तो चार पीसेस लेना पड़ता है, एक पीस ले लेना पड़ता है तब्बू भाई। तब्बू भाई कोई भी नहीं पहन रहे तो तब्बू भाई उठ के पहन ले रहे। दी अभी ना बीच में पहन के ठहरते ना, खाली ऊपर से डाल दो। अरे तब्बू भाई कॉमेडी नहीं करते रहते, तब्बू भाई पहने तो देखा वाओ नाइस, कहाँ है कर दिखा, फिराक दिखा, फिराक मौत इन लगा रोजा खोलने के ऐसे बैठे हुए गाइस। इन सब खा रहे रोजा खोल लिए, इफ्तारी पे उड़ी पड़े। सो यस गाइस, अभी जस्ट इफ्तारी हुई मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इफ्तारी कर लिए हम लगा, अभी जस्ट थोड़े बहुत कलेक्शन बताने हैं और यहाँ से हम लोग करेंगे पैकअप। कलेक्शन में ऑलरेडी बता डाली, बहुत इंस्टाग्राम पे कर लेना आप लोगों को, बहुत पूरा कलेक्शन देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाके देखना पड़ता। ये शॉप है श्री राम टेक्सटाइल्स का, कोलैबोरेशन इज डन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है देखो भैया जो हमारी हेल्प करे आने लेके जाने में, क्योंकि हम लोग को पाई पाई चल लेके जाना पड़ रहा था तो कार हमारी चार मीनार पे पार्क नहीं कर सकते और स्पेशली पटेल मार्केट में तो पार्क ही नहीं कर सकते। तो थैंक यू भैया, आते समय भी यहाँ से लेके जाना था ना भैया, कई गुने लेके गया, इतना लंबा लेके गया, डबल के लेके गया, नए बैगन का शॉर्टकट, ये कितनी अच्छी गली है, सुकून से जाके सुकून से आ गए। Yes guys, हम लोग आ गए थे, ये मेरे को नहीं मालूम ये एरिया को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट फिर भी मैं इसको हाईटेक सिटीज बोलती हूँ, और इधर टोली चौकी से इधर अपोजिट लाए तो वाड़े वर्कोचा की एड्रेस बोलते हैं, अगर आप लोग को ये एड्रेस मालूम है तो ज़रूर कमेंट करना, बट मैं इतने बार आ गए मेरे को एड्रेस का नाम ही नहीं मालूम। और हम लोग इधर कहीं को आ गए तो आप लोग को मालूम है हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खा के खाली इफ्तारी खोल के थे, तो मम्मी बोले ठीक है चलो हलीम खाएंगे, हलीम खाने के वास्ते घर को जाके खाएंगे सोचे, बट नहीं थोड़ा आज न्यू एक्सपीरियंस करेंगे तो ये प्लेस में आ गए, तो हम लगा हलीम खाने के लिए, और ऐसा नीचे बैठ के एडिटिंग करूँगी क्योंकि कार में बैठ के मेरा सेटेक हो जा रहा, तो सुकून से नीचे बैठ के एडिटिंग करूंगी, बल्कि एडिटिंग कर रही हूँ। नाटक नक्को करो लोग, अरे इतना नहीं है उतना ही चाहिए। यस गाइस, हम लगा आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, हलीम खाने के लिए, हलीम खाने के लिए, यहाँ पे हलीम की देखिए डाली थी मालूम है वहाँ डब्बा, उन्हें खा रहा था देखो पूरा डब्बा, हलीम थी उसमें थोड़ी, इसीलिए डाली थी मैं उसको देख के कि उन्हें खाना थोड़ा बोल के। तब्बू भाई इतनी हलीम डाल दे रहे चूहे को, डालो तब्बू भाई, लियो जी। क्या करते तब्बू भाई तुम, हम लगा एक एक स्पून डाले बोलते हैं ना, दो स्पून डालते। ओफो गाइस, लड़ने के मर रहे, दो चूहों के बीच में लड़ाई लगा दिया तुम। चुबे भाई तुम्हारी ईद है तो ईद कर लो तुम, बस बात खत्म। सो यस गाइस, मैं व्लॉग यही पे एंड कर रही हूँ, होप आपको ये व्लॉग अच्छा दिखाऊंगा, कोलैबोरेशन भी बताने की कोशिश करी, तब्बू भाई की एंटरटेनमेंट भी बताने की कोशिश करी, आखिर में चूहों का भी बता दी मालूम है, होप आपको इतना भी अच्छा दिखा, तो क्या करना तब्बू भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस कर देना जिससे आपको कभी भी ना भूलो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक बाय बाय।
खुश रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज। मैं हलीम खा रही हूँ यहाँ पे, काशी खा रहा हलीम, और यहाँ पे तब्बू भाई भी खा रहे हलीम, और यहाँ देखो वीडियो एडिट कर लेते हुए ये मजे ले रहे। कहाँ की हलीम है ये? सिटी डायमंड। हाँ, सिटी डायमंड की एकदम मस्त है रिव्यू, आप लोगों को मस्त रहती है, आप लोग खा सकते हैं।